और जितने भी कर्मी हो, विकास मित्र हो, सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं ताकि मतदान का प्रयोग जो है पटनावासी जरूर करें। बूथ में जाने आने में कोई दिक्कतें है, किसी को अन्य दिक्कतें है, कोई थ्रेट परसेप्शन है, ये सब को भी जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं काजल आपके साथ। रामनवमी की तैयारी धूमधाम से चल रही है, उसी बीच में पटना डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि रामनवमी में डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। आचार संहिता लागू है जिसके वजह से डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। लगातार आप हर साल ये देखते होंगे कि पटना में रामनवमी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार चुनाव, लोकसभा चुनाव के कारण ये हटा दिया गया है कि डीजे का उपयोग इस साल नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पटना डीएम, पहले सुनिए। पटना जिले का एक अंग है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है और हमारा चिंता का विषय है। आज यहाँ पे दुर्गा गार्डन अपार्टमेंट जो है यहाँ पे हम आए हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ पे नॉक टू डोर कैंपेन है कि जिसमें हर मतदाता के पास हम लोग जा रहे हैं, उसमें नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, ICDS हो, हमारे PDS सप्लाई साइड हो और जितने भी कर्मी हो, विकास मित्र हो, सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं ताकि मतदान का प्रयोग जो है पटनावासी जरूर करें। आई वोट फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे 37 वोटर्स हैं। अभी अध्यक्ष महोदय से भी हमारी बात हुई, इन्होंने कटिबद्धता जताई है कि हमारे जो अपार्टमेंट है उसमें से 100% हम वोट करेंगे, मतलब 37 लोग जो हैं करेंगे। बूथ इनका नज़दीक सेंट जेवियर स्कूल में है। बूथ में जाने आने में कोई दिक्कतें है, किसी को अन्य दिक्कतें हैं, कोई थ्रेट परसेप्शन है, ये सब को भी जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो है आगे की जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़े। मैं पुनः एक बार जो है आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि निश्चित जो है लोकतंत्र के इस पर्व में आप पार्टिसिपेट करें और इसको मजबूत बनाएं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना जिले का एक अंग है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है और हमारा चिंता का विषय है। आज यहाँ पे दुर्गा गार्डन अपार्टमेंट जो है यहाँ पे हम आए हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ पे नॉक टू डोर कैंपेन है कि जिसमें हर मतदाता के पास हम लोग जा रहे हैं, उसमें नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, ICDS हो, हमारे PDS सप्लाई साइड हो और जितने भी कर्मी हो, विकास मित्र हो, सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं ताकि मतदान का प्रयोग जो है पटनावासी जरूर करें। तो सुना आपने उनका, साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार रामनवमी को जो भी लोग डीजे बजाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार आप ये देखते हुए आए होंगे कि रामनवमी पटना में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, रात भर लोग नाचते गाते हैं और कहीं ना कहीं रामनवमी इंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ पे सम्मिलित होते हैं और जो शो जाता है वो शो को देखते हैं। लेकिन इस बार आचार संहिता लागू होने के वजह से इस बार नहीं डीजे का उपयोग किया जाएगा, डीएम का साफ तौर पे ये कहना है। और कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरह से वो लोगों को सचेत किए हैं कि आचार संहिता लागू है और आप डीजे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि इस बार जो रामनवमी है पिछले साल जैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के वजह से आचार संहिता लागू है। तो कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होता है इस बार रामनवमी में और डीएम क्या कुछ कहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना है, तो बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वे।